मैथिन, तुम डॉक्टर से नहीं मिल सके, अभी गई है वो जानवरों की डॉक्टर। मुझसे मिलने आई थी वो? नहीं मैथिन, वो मेलिसा को देखने के लिए आई थी, मरीज की अयादत के लिए। रेहन साहिबा तुम्हें यूं ही तंग कर रही हैं। आओ अंदर आ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत मुश्किल हालात में हो तुम, अल्लाह ही तुम्हारी मदद करे। आमीन रेहन साहिबा, आमीन। अच्छा चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। ये औरत नहीं बल्कि औरतों की पूरी एक फौज है। सरमिन बहुत बुरी हालत में है, काफी खून बह चुका है, इस वक्त वो होश में नहीं है, पता नहीं कब होश आएगा। या अल्लाह, बेचारी जवान औरत है। अब मेलिसा का क्या होगा? क्या वो हमारे साथ रह सकती है? मुझे नहीं लगता। लेकिन सरमिन कोमा में है। हाँ है तो, लेकिन इससे हमें कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसका उलट ही है। अगर कोई उसको यहाँ लेने के लिए आ गया तो बआसानी छीन लेगा। सरमिन कम से कम उसे बिस्मा से तो बचा रही थी। या अल्लाह। सुनो मैतिन, तुम खेतों में गए थे क्या? नहीं। तुम क्यों नहीं गए वहां? पता नहीं वहां क्या चल रहा है, खेतों का क्या हाल है। ठीक है, फिर मैं जाकर देखता हूँ। हाँ ठीक है, तुम फौरन जाओ, अब तो दिन भी खत्म होने वाला है। अब आप क्या भूल गए मैदिन साहब? क्या रह गया मेरे भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरअसल हम मेलिसा के लिए परेशान थे, तो इसीलिए बस उसे देखने आ गए। आपको सहमत होगी लेकिन मेलिसा फिलहाल अपने कमरे में है, शायद सो रही है वो। डॉक्टर ने कहा है कि वो ज्यादा आराम करे। ठीक है बेटा, हम उससे बाद में मिल लेंगे। खुश आमदीद, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया। उम्मीद है मैं आप पर बोझ नहीं बनी होंगी और ना ज्यादा तंग किया होगा। बिल्कुल नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। मेलिसा, तुम्हें अपने बिस्तर पे होना चाहिए था ना इस वक्त। जानती हूँ मैं, लेकिन शायद सेहत के लिए नफ्सियात भी अहम है। अगर ज्यादा देर लेटी रही तो मेरी नफ्सियात पर असर पड़ेगा और फिर मैं जल्द ठीक नहीं हो पाऊंगी। आई मैं भी कितनी बदतमीज हूँ ना, आप लोग इतने दूर से जहमत करके मुझे देखने आए और मैंने आप लोगों को अंदर भी नहीं बुलाया। माहिनूर आंटी, क्या मैं अपने मेहमानों को अंदर बिठा सकती हूँ? जरूर, हाँ क्यों नहीं, आ जाएं। तुम्हारे लिए। मेरे लिए? बहुत शुक्रिया, इसे मैं खोल लूं? हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तजस्सुस हो रहा है, पता नहीं गोरकैम ने क्या लिया है। बहुत शुक्रिया आपका, ये किताब है और किताब से अच्छा तोहफा कोई भी नहीं। ये देखे माहिनूर आंटी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा तोहफा है। बेटा मैंने कहा था कि पीछे से कोई किताब नहीं उठाना।
वहां से नहीं ली, शायद दूसरी तरफ से ली थी। गलती हो गई। अगर ये किताब आपके लिए अहम है तो मैं अभी वापस कर देती हूँ। ये खास है, एक बहुत खास, कीमती और पुराने दोस्त का तोहफा है। फिर मैं ये किताब नहीं रख सकती। तुम रख लो मेलिसा, हर किताब का अपना सफर होता है और इस किताब ने तुम्हें चुन लिया है। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी सोच भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, इसको पढ़ते ही मैं फौरन वापस कर दूंगी। अब आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, इसे छोड़ दो, उस पे किताब उधार रहेगी। बात अगर किताब की हो तो मैं ना नहीं कहूंगी। अगली बार कोई ऐसी चीज देना जो तुम्हारे बाबा के लिए खास ना हो। मैं चाय लेकर आती हूं। मैंने ये पढ़ी थी, बहुत अच्छी किताब है, बहुत पसंद आई मुझे। बस पढ़ के इसे जगह पर रखना भूल गया था मैं। आमतौर पे बाबा की किताबों को हाथ नहीं लगाता। हो सकता है इस किताब के नसीब में सफर हो, इसलिए यहाँ आ गई। हो सकता है। गौरका माओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, चलो। मैंने इसे अंदर कैसे आने दे दिया, क्यों आने दिया? मेरी मौजूदगी तुम्हें परेशान करती है ना? चाय में अभी कुछ वक्त है, मैं आपको पानी दे देती हूं। किताबें पसंद है पापा को, पसंद तो मुझे भी है, लेकिन वो इश्क करते हैं। इनकी अलमारी खाली करने में महीनों लग जाएंगे, फिर भी ये खत्म नहीं होंगी। मुझे हमेशा से ऐसे ही घर में रहना था जहाँ किताबों की बहुत सारी अलमारियां हों और मैं उन्हें पढ़ती रहूं। मैं खुश रहूंगी, यकीन करो। फिर तो तुम लाइब्रेरी में ज्यादा खुश रहोगी। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे रोक देता। उसने इतनी सारी किताबों में से यही किताब चुनी। कोई बात नहीं, मेलिसा के बारे में क्या सोचा है तुमने? पहले वो ठीक तो हो जाए। उसके बाद? उसके बाद वो जिंदगी में आगे बढ़ेगी, मजबूती के साथ अपने हालात का सामना करेगी। वो यहां कैसे आई? क्या तुम उसे अपने पास रखना चाहती थी? नहीं जुनैद, बिल्कुल नहीं, और अब भी नहीं चाहती हूं। मैं तिल लाया था मेलिसा को, उसने इसे घर वापस आते हुए देखा था, ये रो रही थी, इसे बहुत मारा पीटा गया था। मैं तिन से रहा नहीं गया और वो इसे यहां ले आया। ठीक है, जवाब मिल गया हो तो इजाजत दो।
जुनेद अंकल, मैं किसी दिन आपकी लाइब्रेरी देखने आ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, जब भी तुम्हारा दिल करे आ जाना, मगर पहले वाहनूर आंटी से इजाजत ले लेना, उसके बाद आना। इजाजत देंगे मुझे? पहले तुम सही तरह ठीक तो हो जाओ, उसके बाद। ठीक होने के बाद? हाँ उसी वक्त बात करेंगे इस बारे में। मैथिल साहब जी, मैं हूँ। मुझे माफ कीजिएगा, या अल्लाह मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला, मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछा कर रहा है मेरा। मैंने गाड़ी से हाथी लाया था, आपने देखा नहीं? आपको लगी तो नहीं? नहीं ठीक हूँ। मुझे माफ कर दे, मैं बेनतहा शर्मिंदा हो रही हूँ मैथिल साहब, मेरा यकीन करें। नहीं शर्मिंदा मत हो, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने तो वाकई मुझे बहुत डरा दिया था। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको मारा और अब आप पर हंस भी रही हूँ, क्या हो गया मुझे? माफ कीजिएगा। हंसी तो मुझे भी आ रही है बहुत, लेकिन मैं हंसने की वजह नहीं जानता। ठीक है मैं ठीक हूँ। ये क्या है? ये हमारी जमीन की है, आपके लिए लाया था मैं। आपका बहुत शुक्रिया। कितनी प्यारी खुशबू है, अब चलें क्या? जी जरूर, आप ठीक तो है ना? जी। जुनेद अंकल कैसे आप भी हैं? जैसे नजर आते हैं। कभी भी ऐसे शख्स से नहीं मिली जिसके पास बहुत सारी किताबें हों। उन्होंने सब पढ़ी हैं? शायद पढ़ी हों। यानी अजीब है ना, जब तक मैं जुनेद अंकल से नहीं मिली थी तब तक वो मैं थी जिसने सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी थी, बस मेरे उस्ताद के अलावा। जुनेद अंकल ने मुझे हरा दिया। जुनेद को किताबों से इश्क है। इसका मतलब आप उन्हें काफी जानती हैं? हाँ, उसका ताल्लुक भी यहीं से है, हमारा बचपन साथ ही गुजरा है, मैं जानती हूँ उसे। बीवी का इंतकाल हो गया गौरकेम की अम्मी? बिल्कुल। आप उनको जानती थी? हाँ, दोस्त थी वो मेरी, सबसे अच्छी दोस्त। माहिनूर आंटी मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको तंग नहीं करना चाहती, लेकिन बस एक आखिरी सवाल पूछ लो उनसे। जाहिर है ये आखिरी सवाल नहीं होगा, मगर पूछ लो।
माहिनूर आंटी मेलिसा को हमारे घर भेजेंगी? पता नहीं, माहिनूर के बारे में कुछ कह नहीं सकते। वो नाखुश क्यों है? कौन? माहिनूर आंटी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो नाखुश है? मैंने देखी है उनकी आंखें, उदास दिखती हैं। क्या वाकई? शायद वो कुछ सोच रही हो। नामुमकिन, अम्मी के बाद आप भी ऐसे ही थे। उनका भी कोई चला गया है क्या? पता नहीं। माहिनूर आंटी से तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते जब भी उनसे मुलाकात हो? नहीं, नहीं पूछ सकता, डर लगता है। आपने और जुनेद अंकल ने कब से एक दूसरे को नहीं देखा है? क्या मतलब है इसका? वो आपको देखिए ऐसे रहे थे। कैसे? जैसे उन्होंने आपको सालों से नहीं देखा। नहीं मेलिसा, यानी मुझे नहीं लगता। वो मुझे ऐसे क्यों देखेंगे? आखिर क्यों याद करेंगे मुझे? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसी गलत फहमी हुई होगी। नहीं नहीं, वो याद वाली नजर थी। देखो तो, और ये कौन सी नजर होती है? ऐसी वाली। हाँ, शायद मैं उनके जैसा नहीं कर रही, लेकिन ऐसे ही देख रहे थे। अच्छा ठीक है, तुमने फिर यहाँ बैठकर फजूल बातें करना शुरू कर दी है ना? इसका मतलब है अब तुम ठीक हो गई हो और काम में मेरी मदद कर सकती हो। मदद? जैसा आप कहें माहिनूर आंटी, मैं बस आटा नहीं गूंथ सकती। वो नहीं। और क्या करूं? पहले वहाँ से पतीली निकाल कर लाओ। ठीक है। यहाँ तो नहीं है। भूख लगी होगी तुम्हें, मैंने सैंडविच बनाए हैं। शुक्रिया बाबा। ये तुम्हारा काली मिर्च के साथ। तुम्हें इस तस्वीर में क्या खास लगता है? ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन मुझे लगता है इसके साथ यकीनन कोई कहानी जुड़ी है। याद रखना, माजी कभी भी मुकम्मल जाहिर नहीं होता। ठीक कह रहे हैं आप। गौरकैम, मैंने कुछ सोचा है। किस बारे में? मेलिसा। तो मेलिसा क्या? मुझे उसके लिए अफसोस है। मुझे भी। होशियार लड़की है, मुझे लगता है उसका दिल बहुत अच्छा है और जिसमें उसकी एक ख्याली दुनिया है। ये सच है। अगर उसकी किसी अच्छे खानदान में परवरिश नहीं होती जिसकी वो मुस्तहिक है, तो उसका मुस्तकबिल खराब हो सकता है। मतलब अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं उसे, हाँ मैं उसे गोद लेना चाहता हूं। क्या ख्याल है?